नमस्कार दोस्तों, डिजिटल खेती चैनल में फिर से आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो आपको खेती बाड़ी कृषि के बारे में नई जानकारी देगी। कीप अपडेटेड अबाउट एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में आप अपडेट रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। इसका नाम है डिजिटल खेती। आप सबसे निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करना चाहते हैं सोयाबीन की जो खेती रहती है उसकी उन्नत तकनीक क्या है, सोयाबीन खेती की उन्नत तकनीक। सोयाबीन एक मुख्य तेलीय फसल है जिससे तेल निकलता है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि में मुख्य रूप से लगाई जाती है और भी राज्यों में लगाई जाती है, लेकिन ये मुख्य राज्य हैं और मध्य प्रदेश सोयाबीन उगाने में नंबर वन है। सोयाबीन की बुवाई का समय क्या है? सोयाबीन जो है मुख्यतः खरीफ की फसल है। ये बारिश के समय बुवाई जाती है। जब अच्छी बारिश हो जाए तो उसके बाद आपका जून जुलाई में आपको बुवाई करनी है सोयाबीन की। बुवाई की विधि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको सीड ड्रिल के माध्यम से लाइन में बुवाई करनी है और दूसरा क्या है, इसमें दो तरीके रहते हैं, एक रहता है रिज बेड और एक रहता है लाइन व नाली विधि। तो ये आपकी जो सामान्य सीड ड्रिल रहती है उसी में आपको थोड़े से अरेंजमेंट करवाने रहते हैं, तो उससे वो रिज बेड भी हो जाती है और लाइन व नाली विधि भी, तो आप किसी भी मेथड से इसको बो सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब बारिश कम होती है तो वो नालियों को अपन बंद कर देते हैं, तो जिससे पानी रुका रहता है, फसल में पानी की कमी नहीं आती। और दूसरा क्या रहता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो उस समय ये नालियों को अपन खोल देते हैं तो पानी जो है बहकर निकल जाता है, क्योंकि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसकी खेत में पानी नहीं भरना चाहिए, यानी कि इंटरमिटेंट, अगर बीच बीच में रुक रुक के बारिश होती है तो सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी होती है। सोयाबीन में आपको बीज दर क्या रखनी है, ये 80 किलोग्राम लगती है सोयाबीन की बीज प्रति हेक्टेयर में, उसकी दर से इसकी बुवाई की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है बीज उपचार। इसमें राइजोबियम कल्चर आता है, PSV कल्चर आता है और ट्राइकोडर्मा आती है। तो इनका क्या करना है, आपको 5 ग्राम 1 किलो बीज में आपकी दर से आपको मिलाना है। जैसे आप 80 किलो बीज ले रहे हैं तो आप मान के चलिए आपको 400 ग्राम PSV, 400 ग्राम राइजोबियम और 400 ग्राम ट्राइकोडर्मा की ज़रूरत पड़ेगी। और आजकल ट्राइकोडर्मा के छोड़ के राइजोबियम और PSV लिक्विड में आता है, तरल रूप में, पहले पाउडर फॉर्म में आता था। तो आप लिक्विड का 5 ml का प्रयोग प्रति किलो बीज की दर से उपयोग कर सकते हैं। अब आती है खाद व उर्वरक कितना डालना है सोयाबीन में। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट है तो आप 5 टन और यदि आपके पास गोबर खाद है कंपोस्ट तो आप 10 मेट्रिक टन 1 हेक्टेयर में आपको डालना है। इसके साथ ही आपको 20 किलो नत्रजन, 40 किलो फॉस्फेट और 10 किलो सल्फर और 25 किलो जिंक सल्फेट, ये आपको बुआई के समय पर डालना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी आप खाद दे रहे हो सोयाबीन में वो सारे आपको बुआई के टाइम ही डालने हैं, बाद में नहीं डालने, क्योंकि होता क्या है सोयाबीन में नाइट्रोजन बनाने वाले जीवाणु रहते हैं उसकी जड़ों में। कभी आप उखाड़ के देखेंगे तो आपको गुलाबी कलर के जड़ें में गांठें दिखाई देंगी, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए इसमें बाद में आपको नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। सोयाबीन की उन्नत किस्म और वेराइटी कौन कौन सी है? एक तो JS 335 आती है जिसको सब जानते हैं, थोड़ी लंबी अवधि की है। दूसरा JS 9560 है जो जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था, जिनके यहाँ बारिश कम होती है उसके लिए बहुत अच्छी है। दूसरा JS 2029 आती है, JS 2034 आती है, RVS 2014 आती है, NRC 86 आती है और NRC 7 आती है। ये सब उन्नतशील वेराइटियाँ हैं सोयाबीन उगाने के लिए। तो आप इनमें से कोई सी भी वेराइटी अपने खेत के अनुसार, आपकी वर्षा के अनुसार आप लगा सकते हैं। सोयाबीन में कीट नियंत्रण कैसे करें? वैसे तो कीट नियंत्रण के बहुत सारे साधन आते हैं, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चूंकि अपन हर आदमी अपनी खेती में लागत कम करना चाहता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादातर अपने जैविक तरीके से कीटों का नियंत्रण करे। जैसे फेरोमोन ट्रैप आते हैं, आपका ग्रीस आती है, फेरोमोन ट्रैप रहते हैं, और दूसरा एक पीले रंग का एक बोर्ड रहता है, उस पर अगर आप ग्रीस या ऑयल लगा देंगे तो जो जितने भी कीड़े हैं रस चूसने वाले वो आपके इधर चिपक जाएंगे। दूसरा आप लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं, एक बैरियाना बैसियाना आता है जैविक कीटनाशी जो आपको लगभग 70-80 ग्राम एक पंप में डाल के स्प्रे करना है, ये भी जैविक रहता है। दूसरा आपका नीम तेल आता है,
और आप चाहो तो पांच पत्ती का काढ़ा या छाछ से भी आप दवाई बना सकते हो। इसके लिए मेरी एक वीडियो है जैविक विधि से खाद और कीटनाशक कैसे बनाएं, वो चाहो तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर डिजिटल खेती पे। दूसरा, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप ट्राई जो फास एसिटामिपेड और भी बहुत सारे केमिकल आते हैं उनसे आप कीड़ों को सोयाबीन में रोक सकते हैं। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। मेरा सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, कीप वॉचिंग डिजिटल खेती, देखते रहिए डिजिटल खेती यूट्यूब पर खेती के बारे में नई नई जानकारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।